हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिसोन। आज मैं आपके लिए प्लम जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियों में कुछ हेल्दी और रिफ्रेशिंग पीने को मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ हो रहती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं प्लम जूस। प्लम जूस बनाने के लिए मैंने 1 kg प्लम्स लिए हैं, यानी कि आलू बुखारा लिया है। 2 कटोरी मैंने चीनी ली है, 1 लेमन लिया है जिसका जूस हम निकालेंगे, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। 1 कढ़ाई में मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें मैंने चीनी और नमक दोनों डाल दिए हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। अब मैं इसमें सारे प्लम्स भी डाल दूंगी। इसे ढककर मैं थोड़ी देर के लिए अच्छे से कुक होने दूंगी। अब हमारे प्लम्स जो है अच्छे से पक चुके हैं। इसकी जो स्किन है मैं रिमूव कर दूंगी। नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे। देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है कि आलू बुखारे ने अपना कलर छोड़ दिया है। इसमें कोई भी मैंने कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। ठंडा होने के बाद सारी जूस को हम छन्नी से अच्छे से छान लेंगे और सीप को अलग कर लेंगे। छन्नी में जो पल्प बचा है मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लूंगी और 2 चम्मच पानी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। अब हमारा स्मूथ पल्प रेडी है। इस पल्प को भी मैं जूस में ही डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें लेमन जूस भी डालूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। अब हमारा प्लम जूस सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे चाहें तो 1 महीने के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे निकालें और एंजॉय करें प्लम जूस को। प्लम जूस को सर्व करने के लिए मैं ग्लासेस में आइस डालूंगी और ऊपर से मैं 1/2 गिलास जो है प्लम जूस डालूंगी और 1/2 गिलास ही मैं उसमें वाटर डालूंगी। अब हमारा ठंडा ठंडा प्लम जूस सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगी। और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।